तो ये हमारा टमाटर और हरी मिर्च की सब्जी बनके बिल्कुल चटपटी और मसालेदार तैयार है। इस रेसिपी के लिए हमने जो मात्रा लिया है वो हरी मिर्च हमने 100 ग्राम लिया है और टमाटर जो है 200 ग्राम के आसपास। तो मिर्च का हम दुगना टमाटर लेंगे और मिर्च को हमने इस प्रकार से उसके डंठल को काट के दो भागों में इस प्रकार से काटा है। तो आप चाहे तो सेप अलग भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के से लंबे लंबे काटेंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने का जो टेस्ट है वो भी बढ़िया लगेगा इस टमाटर के मिश्रण के साथ। तो टमाटर को हमने एक टमाटर को 8 भागों में काटा है। तो इस प्रकार से हमने सारे टमाटर और मिर्च को अच्छे से काट लिया धो के। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें थोड़ी सी तेल डालेंगे, तेल इसमें बहुत कम हम प्रयोग करेंगे। उसमें हम अब पंचफोरन डालेंगे। पंचफोरन हमने इस छोटी चम्मच से एक चम्मच डाला है और 4 से 5 हमने तेज़पत्ता का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो इससे क्या है ना, टेस्ट इसका टमाटर और हरी मिर्च की जो ये सब्जी बनेगी उसमें बहुत ही ज़्यादा इसका फ्लेवर आएगा। तो अब हम इसमें हरी मिर्च को डालेंगे क्योंकि हमने इस प्रकार से काटा था इसे, और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। इससे पहले आप शायद इस प्रकार की रेसिपी आप अपने घर पे नहीं बनाए होंगे। तो इस प्रकार से मिर्ची को हम इसमें डाल के इसे लगभग आधा हम पकाएंगे। तो इसे हम कवर करके पकाएंगे और जहाँ आप इस रेसिपी को बना रहे हैं वहाँ बच्चों से दूर रहें, क्योंकि इसका जो तेल में पकने के बाद जो इसका धुआं निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो इसीलिए बच्चों से दूर रखकर इस रेसिपी को बनाएं। तो देखिए हमारा इस प्रकार से मिर्ची सॉफ्ट हो रहा है। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से हमारा मिर्ची जो है बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो मिर्ची को हमको बिल्कुल लाल करके पकाना नहीं है, इसे मात्र 50% ही पकाना है, नहीं तो फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इस प्रकार से नमक डाल के भी हम मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो पे हम पकाएंगे इसे, ताकि ये जलने ना पाए। ज़्यादा तेज़ फ्लेम कर देंगे तो मिर्ची हमारी जल जाएगी, तो फ्लेम को मीडियम टू लो पे ही रखेंगे। तो ये देखिए हमारा मिर्ची ये लगभग अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें अदरक डालेंगे। अदरक हमने 1 इंच लिया है और अदरक को हमने दरदरा कूटा है। आप अदरक को बिल्कुल पेस्ट बना के ना डालें इसमें, थोड़ा सा दरदरा रहने से इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो अदरक को भूनने के बाद भी हम 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम टमाटर इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिला के हम इसे कवर करके पकाएंगे। तो ये देखिए हमने कवर कर दिया है और फिर हमने ढक्कन को हटाया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर दिख रहा है आपको। घर की सारी सब्जियों से जब मन भर गया हो तो इस प्रकार के रेसिपी का अपने किचन में बना के आप सभी फैमिली को सर्व करने दें। तो इस प्रकार से हमने स्पैचुला से इसे थोड़ी सी सही से प्रेस करके टमाटर को हम अच्छे से मिला देंगे और अब हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हमने आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, मसाले इसमें बहुत ही कम मात्रा में डालेंगे, और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है और थोड़ी सी गरम मसाला। तो गरम मसाला भी हमने आधी चम्मच ही लिया है। ज़्यादा मसाला डालेंगे तो फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो मसाले को हमने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके प्रयोग करना है, ज़्यादा ऐसे मसाले का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये देखिए हमारा ये हरी मिर्च और टमाटर का ये जो सब्जी है फाइनली तैयार है। तो मात्रा आप ध्यान रखेंगे, मिर्च का दुगना आप टमाटर डालें। मिर्च हमने 100 ग्राम लिया था तो टमाटर 200 ग्राम के आसपास लिया था। तो ये देखिए इसका टेक्सचर बनने के बाद फाइनली। आप चाहे तो इसमें हरी धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना बढ़िया हरी मिर्च और टमाटर की सब्जी बन के तैयार हुई है। तो आप भी इस नई रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे तो ये रेसिपी बहुत ही पसंद है। तो हमारे चैनल पर नए हो फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।